हाय डियर फ्रेंड, हम सभी अभी देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जिसमें नेम क्या है। चैप्टर नंबर 1 का नेम मैटर इन सराउंडिंग, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग, और उसके बारे में हम क्या क्या पॉइंट देखने वाले हैं वो आप देखते जाइए, ठीक है। जिसमें हम मैटर के बारे में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या क्या है, ठीक है। मैटर से रिलेटेड तो मैटर जो होता है वो 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, 3 स्टेट में पाया जाता है। अभी यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊँ मैं कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड के डेफिनेट शेप होते हैं। सॉलिड जो है उसके क्या है, डेफिनेट शेप है, फिर डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। डू नॉट फ्लो है, ठीक है। अगर लिखने के लिए आ जाए सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक, तो लिख सकते हैं कि इट हैज़ डेफिनेट शेप, इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, इट डज नॉट फ्लो, या इट डू नॉट फ्लो। और आगे क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड होते हैं। पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होता है। सॉलिड की बात करें तो पहला क्या हो गया, डेफिनेट शेप, दूसरा हो गया आपका डेफिनेट वॉल्यूम, दूसरा डू नॉट फ्लो, तीसरा इनकम्प्रेसिबल, और चौथा पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ये सॉलिड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। उसके बाद से हम देखते हैं, उसके बाद से अगर देखें तो लिक्विड से रिलेटेड, लिक्विड्स के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम देख लेते हैं। लिक्विड के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो लिक्विड जो होता है उसके नो डिफिनेट शेप होते हैं। क्या होते हैं, नो डिफिनेट शेप होते हैं, बट फिक्स वॉल्यूम होता है। उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। यह ध्यान रखने का, इट कैन फ्लो, फ्लो भी ये फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड आप कोई भी लिक्विड है उसको फ्लो कर सकते हैं। फिर बाद में पार्टिकल आर लूजली पैक्ड, और क्या होता है, पार्टिकल जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है एंड लिटल कंप्रेसिबल होता है, लिटल कंप्रेसिबल होता है, ये लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद से हम गैसेस के देखते हैं, ठीक है। गैसेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं। तो गैसेस में क्या होता है, उसकी शेप इनडेफिनेट होते हैं, उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, बट ये फ्लो होता है, फ्लो होता है, और वेरी मच कंप्रेसिबल होता है, वेरी मच कंप्रेसिबल होता है, और पार्टिकल्स आर टू लूजली पैक्ड, पार्टिकल्स जो होते हैं वो टू लूजली पैक्ड होते हैं। तो ये सब हम, ये तीनों जो मैटर के 3 स्टेट हैं उसके बारे में हमने देखा। और मैटर के जो 3 स्टेट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस के बारे में हमने एक्सप्लेन किए, जिसके ये 5 पॉइंट जो थे सॉलिड के थे, फिर ये लिक्विड के, और नीचे हमने गैस के बारे में पढ़ा। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आगे यहाँ पे एक चीज़ और एक्टिविटी करके बताया है कि एक्टिविटी क्या किया, कि यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स, पार्टिकल वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो मिलियन टाइम्स ऑफ मैग्नीफाइड होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वाटर लिया गया, जिसके अंदर सेकेंड आप देखेंगे तो साल्ट ऐड किया गया। यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पे दूसरे ऊपर पॉइंट में देखें तो क्या किया गया, यहाँ पे साल्ट ऐड किया गया, साल्ट इसमें ऐड किया गया, फिर बाद में इसको हिलाया गया, जिससे कि इसमें साल्ट क्या हो गया, घुल गया, ठीक है। तो वेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इन टू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ठीक है। कि जो साल्ट के पार्टिकल थे वो क्या गए, जो वाटर के पार्टिकल थे उनके बीच में जो स्पेस थे उसमें वो डिजॉल्व हो गए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आगे भी देख लेते हैं। आगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्टिकल्स आर वेरी, ये देखिए जो अभी हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है ये पॉइंट, ये तीनों के लिए बताया है कि ये सॉलिड का है, लिक्विड का है, गैस के लिए, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस एग्जाम से रिलेटेड भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, पार्टिकल आर वेरिंग एंड हैव स्पेस बिटवीन देम। तो इसमें आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दें कि ये अगर सॉलिड है, सॉलिड है तो सॉलिड का क्या होता है कि इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है, जो एक एक पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, एक एक पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये पार्टिकल क्या है, अरेंज है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अरेंज है, कंपैक्टेड है, ठीक है। तो ये बना देते हैं सॉलिड। और जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं, ये आपका लिक्विड है, ठीक है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स है इसमें
थोड़े थोड़े इनके बीच का स्पेस ज़्यादा होता है, लूजली कंपैक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? लूजली कंपैक्टेड होते हैं, लूजली कंपैक्टेड होते हैं। और गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है, काफ़ी दूर दूर होते हैं ये गैस के पार्टिकल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अरेंजमेंट दिखाया है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, आगे यह लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ABC के नंबर में दिया हुआ है। और ये नंबर में क्या क्या पॉइंट बता रहा है, क्या क्या पॉइंट बता रहा है? ABC आर शो द मैग्नीफाइड स्कीमेटिक पिक्चर्स ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। द मोशन ऑफ द पार्टिकल कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। तो ये चीज़ें कंपेयर करके बताई गई है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मैटर, ठीक है, द मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इन एंड अराउंड अस इज मेड ऑफ इन डिफरेंट शेप्स। इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड एज मैटर। तो मैटर क्या है? मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल, द पार्टिकल इज मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। तो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल होते हैं। द पार्टिकल इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। आगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम देखने वाले हैं। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो देख लेते हैं। पहला है, देखिए इसमें पहला दिया है, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं, ठीक है। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी एट द टेम्परेचर राइजेस, पार्टिकल मूव्स फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। इट मीन्स जब टेम्परेचर राइज बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत तेज़ी से घूमने लग जाते हैं, जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला, सेकेंड पॉइंट क्या बोला, पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। अब स्पेस अगर प्रॉपर तरीके से कंपैक्ट नहीं है, मतलब उनकी स्पेस, उनके बीच में स्पेस तो पाए जाते हैं। जैसे बोला है कि व्हेन वी मेड टी, कॉफ़ी, लेमोनेड, मतलब नींबू पानी जो होता है, फिर बाद में पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द अदर, दिस शो डैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। जैसे कि हमने एक फर्स्ट एक्टिविटी करके देखे थे कि जो वाटर था उसके अंदर हमने साल्ट डाला, फिर बाद में उसको स्टीर किया तो उसके अंदर साल्ट क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया। तो डिजॉल्व कैसे हुआ? क्योंकि उसके अंदर स्पेस था, इसलिए डिजॉल्व हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर का देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्या है? पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक तरीके से कहा जाए तो दुनिया में जो भी जितने भी प्रकार का मैटर है वो सभी क्या होते हैं? एक दूसरे के अट्रैक्शन उनके पावर होते हैं। तो क्या देखने हैं? व्हेन वी ओपन ए वाटर टैप ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर, कैन वी डू दिस? नो, बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेन टूगेदर, पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टूगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। आगे यहाँ पे क्या लिखा, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेस बिटवीन ऑफ पार्टिकल्स। ये क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड, मतलब सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस एंड उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। क्या होता है? मिनिमम। और लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, लिक्विड में क्या होता है? इंटरमीडिएट। और मैक्सिमम जो होता है वो गैस में होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स बोल सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी
उसका सॉलिड में सबसे कम होता है, मतलब कम होता है, और लिक्विड में इंटरमीडिएट, और सबसे ज़्यादा होता है मैक्सिमम वो गैस में होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, नेक्स्ट जो पॉइंट बोला है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट, ध्यान देना है यहाँ पे, इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इंटरमीडिएट लिक्विड में होता है, और वीकेस्ट इन गैस, मतलब गैसियस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सबसे कमज़ोर होता है, ठीक है, सबसे कम होता है, मतलब वीक होता है, सॉलिड में स्ट्रॉन्ग होता है और लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है, आप देख रहे हैं, मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड, मोमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम इन सॉलिड। अगर ऊपर के ही पॉइंट को देखें कि अगर काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में कम है तो ऑब्वियसली उसका मोमेंट क्या होगा, मिनिमम होगा, मूवमेंट क्या होगा सॉलिड का, मिनिमम होगा, मोर इन लिक्विड एंड मैक्सिमम जो होगा वो गैस में होगा, मैक्सिमम जो होगा वो गैस में होगा। यहाँ पे नीचे एग्जांपल के तरीके से भी देख सकते हैं कि सॉलिड के देखिए कि जितने भी पार्टिकल्स हैं प्रॉपर तरीके से अरेंज है, ठीक है, लिक्विड के थोड़ा सा इम्प्रॉपर अरेंजमेंट है और उनके बीच में स्पेस लूजली है, बट गैसेस में देखिए ना प्रॉपर अरेंज है ना ही मतलब वो प्रॉपर तरीके से कंपैक्टेड है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिए, उसका अरेंजमेंट ऑफ ए पार्टिकल्स इन थ्री स्टेट ऑफ ए मैटर एंड देयर मूवमेंट, उनके मूवमेंट कैसे होते हैं। आगे देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उसके बारे में हम क्या देखेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैस, जो अभी हमने देखा, ठीक है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, वी कैन क्लासीफाई अवर बॉडी इंटू थ्री स्टेट ऑफ मैटर, मतलब अपनी बॉडी की अगर बात करें तो हमारी बॉडी ये तीन स्टेट में बटा हुआ है। जैसे अगर पहले की बात करूँ मैं, पहला तो बोन्स एंड टीथ आर सॉलिड, जो हमारे बॉडी के बोन्स हैं और टीथ हैं ये क्या है, सॉलिड है। फिर सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर लिक्विड, जो हमारे बॉडी में ब्लड है और वाटर है हमारे बॉडी के अंदर वो क्या है, लिक्विड स्टेट में है। एंड थर्ड एयर इन आवर लंग्स इज गैसियस एंड ऑल्सो देयर इज 70% ऑफ वाटर इज इन आवर बॉडी, ये के किस में आ जाते हैं, गैसियस में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मतलब सॉलिड से रिलेटेड, सॉलिड से रिलेटेड हम पॉइंट को देखेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड क्या है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए इसके पहले पॉइंट को क्या बोला कि हैव डेफिनेट से सॉलिड के बारे में पढ़ना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है। तो सॉलिड के पहला पॉइंट हैव डेफिनेट शेप, मतलब अगर एक प्लेस पे उसका शेप है, किसी और जगह पे अगर रखते हैं तो उसका शेप वही रहने वाला है, चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड का। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा जो बता रहा हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, उसकी जो बाउंड्रीज है वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है, वो फिक्स है। तो हम सभी देख रहे थे कि सॉलिड का क्या है, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे थे, तो उसके क्या है, हैव डेफिनेट शेप है पहला, क्या हैव डेफिनेट शेप। दूसरा सेकंड पॉइंट को अगर देखें तो हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री, क्या है, हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री, डिस्टिंक्ट बाउंड्री है। उसके बाद से सी अगर देखें, हैव रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी मतलब जैसे शेप में है वैसे ही रहने वाला है, एक तरीके से अगर बोले तो रिजिडिटी बोल सकते हैं, ठीक है, और इनकम्प्रेसिबल मतलब वो कंप्रेस नहीं होगा, उसको अगर हम दबाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो दब जाएगा, कम हो जाएगा, दबाने पे कम नहीं होगा, जैसा है वैसे रहना। रिजिडिटी का मतलब होता है कि उसके शेप एंड साइज जैसे हैं एक जगह पे दूसरी जगह पे भी लेके जाते हैं तो वैसे ही रहता है, उसके शेप एंड साइज में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आता, तो उसको रिजिडिटी की क्वालिटी बोला जाता है। डी अगर देखें तो हैव डेफिनेट वॉल्यूम, हैव डेफिनेट वॉल्यूम इट मीन्स एक जगह पर हम देख रहे हैं तो उसका जैसा से मतलब जितना वो प्लेस कवर करता है, स्पेस कवर करता है, वो दूसरी जगह पे भी लेके जाएंगे तो उतना ही स्पेस वो लेता है, तो उसी को बोला जाता है डेफिनेट वॉल्यूम। जैसे एक एग्जांपल के तरीके से अगर देखा जाए तो एग्जांपल बोला कि रबर बैंड इज ए सॉलिड, रबर बैंड जो होता है वो सॉलिड होता है बिकॉज इट कैन चेंज इट्स शेप अंडर फोर्स, अंडर फोर्स
and re-again it's safe when force is removed. If excessive force is applied, it break. The solid have fixed and rigid shape. The kinetic energy of the particles in the solid state is very less, and therefore solid have fixed and rigid shape. ठीक है, आगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं. और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है? वी कैन कंप्रेस स्पॉन्ग्स एज इट प्री पोर्स आर फिल्ड विथ एयर बट इट इज सॉलिड. ठीक है, वी कैन कंप्रेस स्पॉन्ग. ठीक है, उसके अंदर जो खाली है, मतलब पोर्स है जिसमें एयर भरा हुआ है, वो मतलब कंप्रेस करने पे दबेगा, बट इट इज सॉलिड. साल्ट एंड शुगर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस, बट द शेप ऑफ देयर क्रिस्टल डू नॉट चेंज, सो दे आर सॉलिड. मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसको आप अप्लाई करके चेक करके आप बता सकते हो कि ये सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में है. ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा जिससे हमें पता चलेगा कि ये वस्तु सॉलिड है या लिक्विड है. नेक्स्ट लिक्विड के बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो लिक्विड के बारे में क्या बोला है, कैरेक्टरिस्टिक उसकी फ्लूडिटी होती है, दे आर नॉट रिजिड. वो क्या होता है, रिजिड नहीं होता है, लो कंप्रेसिबल होता है, लो कंप्रेसिबल होता है. नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज, नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्रीज. दे टेक द शेप ऑफ द वेसल्स, हैव डेफिनेट वॉल्यूम. क्या होता है, हैव डेफिनेट वॉल्यूम. आगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए तीन पॉइंट दिए हुए हैं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कीप इट्स वॉल्यूम शेप. ठीक है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ए लिक्विड कीप इट्स वॉल्यूम सेम. ठीक है, कि मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण उनके जो वॉल्यूम है वो सेम रहते हैं लिक्विड के लिए. ठीक है, वैसे ही सॉलिड के लिए भी, सॉलिड का भी सेम ही रहता है. नेक्स्ट है लिक्विड और सब्सटेंस हैविंग फिक्स, मतलब डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप. उसका शेप क्या, फिक्स नहीं होता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि अगर एक गिलास में पानी रखा हुआ है, ठीक है, उसको मैंने एक सिलेंडर में डाल दिया तो सिलेंडर का शेप ले लेगा, उसको मैंने कोन में डाल दिया तो कोन का शेप ले लेगा. तो इस तरीके से जितना वॉल्यूम है वो तो उतना ही रहने वाला है, बट उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो इसलिए इनडेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर, मतलब जहाँ पर भी हम स्टोर करते हैं वो उसका शेप ले लेता है. थर्ड देखिए, द गैस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर. ड्यू टू दीज गैसेस एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एल्स एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव. डिफ्यूजन इज मच मोर इन लिक्विड देन इन सॉलिड ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड. फिर गैसेज के स्टेट के बारे में देख लेते हैं. गैसेज में क्या लेते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेज स्टेट हैव फ्लूडिटी, फ्लूडिटी उसके अंदर होती है. फिर बाद में हैव कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी होती है, जैसे कि गैस है उसको हम कंप्रेस करके कम कर सकते हैं. ठीक है, हैव नो डिफरेंट बाउंड्रीज, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है. हैव नो डिफरेंट शेप, हैव नो डिफरेंट वॉल्यूम, ना उसका शेप होता है ना ही उसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है. जैसे कि इत्र का अभी देखें कि जो परफ्यूम होता है एक छोटे से बॉटल में होता है, उसको अगर पूरे रूम में कर दिया जाए तो पूरे रूम में फैल जाता है. तो इस तरीके से उसका जो वॉल्यूम है, चाहे शेप है, चाहे बाउंड्रीज है, वो सभी क्या होते हैं, डेफिनेट नहीं होते हैं. आगे क्या बोला है, द पार्टिकल इन अ गैस आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन हैंस गैसेस कैन फ्लो. इसलिए गैसेस क्या होते हैं, फ्लो होते हैं. द पार्टिकल्स इन अ गैस आर फ्री टू मूव, क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं इन एनी डायरेक्शन. आगे देख लीजिए, द गैसेस आर सब्सटेंस दैट डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम आर अवेलेबल, ऑल द वॉल्यूम अवेलेबल टू देम. आगे देख लेते, प्रेशर ऑफ गैस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ वेसल बाय द इरेगुलर मूविंग गैस पार्टिकल्स. चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. देखिए स्टेट ऑफ मैटर में कैसे चेंज होते हैं, पहला देखो क्या लिखा हुआ है. वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड आइस में, लिक्विड वाटर में और गैस वाटर वेपर में.
ये जो वाटर है वो तीनों के तीनों स्टेट में पाए जा सकते हैं। अगर उसे ठंडा कर दें एकदम बर्फ़ बन जाएगा, फिर बाद में उसको अगर गर्म कर दे तो लिक्विड बन जाएगा, फिर बाद में और ज़्यादा गर्म कर दे तो क्या हो जाएगा, वो वेपर कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में आ जाएगा। आगे और क्या बोला, ऑन हीटिंग आइस मेल्ट इंटू वाटर एंड देन कन्वर्ट इंटू वाटर वेपर। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल तरीके से बताया कि चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी डन इंटू टू वे, मेल्टिंग ऑफ एन आइस टू फॉर्म वाटर। पहला देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख बताया है कि उसको मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, वाटर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यहाँ पे मेल्टिंग किया गया आइस को तो वाटर में कन्वर्ट हुआ, और वाटर को और ज़्यादा बॉयल किया गया तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए मेल्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम देख लेते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट देखिए, मेल्टिंग पॉइंट में क्या बोल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पर वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है उस पॉइंट को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, कोई भी सॉलिड हो उसको अगर गर्म कर रहे हैं वो पिघल नहीं रहा है, गर्म कर रहे हैं पिघल नहीं रहा, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पॉइंट पे वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्या, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट कितना आइस का दिया है, देखिए हर किसी का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होगा, लेकिन आइस का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 273.16 केल्विन। एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 273.16 केल्विन, या तो 0 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हैं। ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर ऑफ आइस डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बींग सप्लाइड कंटिन्यूसली ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज यूज अप टू ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइस पार्टिकल्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। एनर्जी ऑफ वाटर पार्टिकल्स इज मच मोर देन द एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। मतलब एक केजी सॉलिड है जिसको चेंज करने के लिए कितने अमाउंट हीट की रिक्वायरमेंट होगी, उसको भी बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ, और कब, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, मतलब इसके मेल्टिंग पॉइंट पर। ठीक है, मतलब कितने हीट की ज़रूरत पड़ती है एक केजी सॉलिड को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, तो उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पर वाटर वेपर में होना कन्वर्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है, और इसका कितना होता है, 373 केल्विन होती है, ध्यान रखना, और सेल्सियस में बोला जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। सिंपल सा अगर बोलूँ कि एक पॉइंट याद रखो, डिग्री सेल्सियस याद रखो, डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड कर दो तो आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो ये सब भी हम देखेंगे कि ताकि हमें ये पॉइंट पता चल जाए। अब इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखे थे, और इसमें वेपराइजेशन क्या होता है, मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर पे 1 kg लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है जिस टेम्परेचर पे, जितना अमाउंट रिक्वायर्ड होती है हीट की जिस पे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है 1 kg लिक्विड, उसको ही बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर डज नॉट राइज इवन दो हीट इज बींग सप्लाइड कंटिन्यूसली एज दिस हीट ऑफ वेपराइजेशन इज यूज अप टू ओवर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। एट 100 डिग्री सेल्सियस एनर्जी ऑफ वाटर वेपर इज मच मोर दैन द एनर्जी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो वी कैन चेंज ऑफ वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर स्टेट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर। जैसे सॉलिड स्टेट है उसको हीट किए तो लिक्विड स्टेट में गया, फिर उसको हीट किए तो गैसियस स्टेट में आया, गैसियस स्टेट को कूल किए तो लिक्विड में आया, लिक्विड को कूल किए तो सॉलिड स्टेट में आया। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इज
लिक्विड। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा? लिक्विड में होगा, ये ध्यान रखना। एट 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इज सॉलिड, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? वाटर सॉलिड में होता है। एट 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इज गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट में 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होता है वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सब्लिमेशन क्या होता है? द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरवेनिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इट मीन्स कह सकते हैं कि कोई सॉलिड है उसको अगर हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट होकर डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को ही बोला जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस इसी को बोला जाता है कि अगर कोई सॉलिड है उसको हीट दिया जाता है तो वो डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। द चेंजेस ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग ऑफ वेपर इनटू सॉलिड एंड कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द इन्वर्टिंग लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है। कैम्फर मतलब कपूर, आप कपूर देखे होंगे, कपूर को हम जलाते हैं तो डायरेक्टली वो क्या हो जाता है? गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड है जिसको हम गर्म करते हैं तो डायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसका ये एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे बताया है कि मिक्सर ऑफ NH4Cl और NaCl इसको मिक्स करके और गर्म किया जाता है तो किस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है? डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन ऑफ सब्लिमेशन बोला जाता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, अब देखो चेंज से क्या इफेक्ट आता है, प्रेशर अगर उसका चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है, प्रेशर के चेंज के क्या इफेक्ट हैं। ठीक है, ये बी पॉइंट हम देख रहे हैं। इफ़ वी कंप्रेस अ गैस इन ए सिलेंडर, सिलेंडर में गैस है उसको कंप्रेस कर रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ए गैस इज रिड्यूस एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड ऑन लोअरिंग टेम्परेचर। तो क्या होगा, गैस जो होगा वो लिक्विफाइड होगा वो लोअरिंग टेम्परेचर पे। बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल ऑफ ए गैस कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज चेंज इंटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इंटू लिक्विड व्हेन प्रेशर इज रिड्यूस टू 1 atmospheric प्रेशर। दस स्टेट ऑफ मैटर डैट इज सॉलिड लिक्विड गैस आर डिटरमाइंड बाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉलिड है, सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड होता है, लिक्विड वेपराइज होके गैस होता है। दूसरे तरीके से देखिए सॉलिड सब्लिमेशन से गैस हो जाता है। ठीक है, गैस सब्लिमेशन से सॉलिड हो जाता है, गैस कंडेंसेशन होके लिक्विड हो जाता है और लिक्विड फ्रीजिंग होके सॉलिड हो जाता है। ये पॉइंट याद रखें तो बहुत ही बेटर तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, सॉलिड मेल्टिंग करते हैं तो लिक्विड में होता है, लिक्विड इवेपोरेशन होता है तो गैस होता है, गैस कंडेंसेशन होता है तो लिक्विड होता है और लिक्विड फ्रीजिंग किया जाए तो सॉलिड में हो जाता है। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। द सरफेस फेनोमेनन इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। पार्टिकल्स ऑन द सर्फेस ऑफ ए लिक्विड हैव हायर काइनेटिक एनर्जी अदर देन सो दे ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड एस्केप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, क्या क्या अफेक्ट, क्या क्या मतलब कह सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन से। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन एक्सपोज सर्फेस एरिया और इंक्रीजिंग सर्फेस एरिया ऑफ लिक्विड रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। इट मीन्स सर्फेस एरिया अगर ज़्यादा है तो उसका इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओबियसली सर्फेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा एरिया से इवेपोरेशन हो सकते हैं। इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, ज़्यादा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा रेट से इवेपोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिग्री ऑफ डैम्पनेस ऑफ एयर इज लो, अगर कम है तो इवेपोरेशन रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। विंड, व्हेन विंड स्पीड इंक्रीज, जब विंड की स्पीड इंक्रीज करते हैं, विंड की स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेज। ज़्यादा हवा की स्पीड अगर ज़्यादा इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग, इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग। द कूलिंग कॉजेस बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट इट टेक्स
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम सराउंडिंग विच ऑन लूजिंग हीट गेट कूल्ड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, वेन वी पुट एसीटोन ऑन आवर हैंड, एसीटोन को अपने हाथ पे ले, इट गेट वेपराइज बाई टेकिंग हीट फॉर आवर हैंड एंड आवर हैंड फील कूल। एसीटोन को अगर अपने हाथ पे रखते हैं तो उसके जो इट गेट्स वेपराइज बाई टेकिंग हीट फ्रॉम आवर हैंड एंड आवर हैंड फील्स कूल। मतलब ये आपके हाथ की गर्मी जो होगी उसके कारण क्या होगा, वेपराइजेशन होगा, और जिसके कारण आपका हैंड क्या होगा, कूल फील करेगा। वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर टू कीप कूल एंड कम्फर्टेबल, एज अ कॉटन इज गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, सो इट ऑब्जॉर्ब द स्वीट फ्रॉम आवर बॉडी एंड एक्सपोज इट एयर फॉर एवेपरेशन ऑफ स्वीट। दस कूल और बॉडी, इससे कूल हमारी बॉडी रहती है। थर्ड देखेंगे कि ऑफ्टन पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग समर, दिस वाटर टेक्स हीट फ्रॉम ग्राउंड एंड सराउंडिंग एयर टू एवेपरेट, दस मेकिंग द प्लेस कूल। अभी देखिए, एक एक क्वेश्चन, एक मार्क्स के क्वेश्चन, टू मार्क्स के क्वेश्चन, थ्री मार्क्स के क्वेश्चन, फाइव मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर रखा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को हमने अगर अच्छे से पढ़ा है तो फटाफट इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, तो थ्री स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। विच हैज़ मोर डेंसिटी, लिक्विड और सॉलिड, तो सॉलिड में, क्योंकि वो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से अरेंज होते हैं और उनके बीच का स्पेस बहुत ही कम होता है। व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, जिस पे कि वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मेल्ट करना मतलब पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, तो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस, चेंज इट इनटू केल्विन स्केल, तो उसका केल्विन में क्या होगा, तो अगर सेल्सियस में दिया है तो 273 ऐड कर दे तो आपको मिल जाएगा। व्हाई डू गैस एक्सर्ट प्रेशर, तो ये क्वेश्चन भी देख लें, हाउ डू वी लिक्विफाई द गैस, तो प्रेशर कंप्रेस करने के बाद वो लिक्विफाई हो जाता है। क्लासीफाई द मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो मैंने पढ़ाई दिया, वाई सॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस सारे क्वेश्चंस को हम शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आंसर्स के साथ आपको बता दूंगा, तो आप इसको देखते रहिए और पढ़ते रहिए कि ताकि इससे रिलेटेड आपका जो भी डाउट है वो आपका क्लियर हो सके, ठीक है। तो ये था जो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। मैटर्स इन और सराउंडिंग, मतलब हमारे चारों तरफ जो भी, जो कुछ भी दिखता है सब मैटर है, ठीक है। और मैटर कितने स्टेट में पाया जाता है, थ्री स्टेट में पाया जाता है। तो ये चैप्टर नंबर 1 जो एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी 9th क्लास का ये साइंस का चैप्टर 1 नंबर 1 था, मैटर इन सराउंडिंग। तो ये आप देखिए कि ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो वो क्लियर हो सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।